कर्मिकल ने आज समिति में मांग की है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में गरीब मजदूरों को सरकार 1,000 रुपए दे। बरेली के श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन कराने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर किया जाए। इसको लेकर श्रमिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया। जितेंद्र शर्मा ने बताया, कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते श्रमिकों को किसी भी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रमिकों के परिवार के भरण पोषण के लिए 1,000 रुपए प्रति माह देने का आदेश जारी हुआ है, जिसमें पंजीकरण कराकर श्रमिकों के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए सरकार द्वारा भेजे जाएंगे। परंतु रोज कमाकर खाने वाले तिहाड़ी मजदूर श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन की जानकारी न होने के अभाव में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। एक ओर गरीब श्रमिक परेशान हैं तो दूसरी तरफ सरकार के आदेश का पालन भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इससे श्रमिकों के मन में सरकार के प्रति निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश अनुसार नगरीय क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण नगर निगम में होना चाहिए, लेकिन बरेली नगर निगम योजना में लापरवाही करते हुए श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। वन निगम में पंजीकरण न कराकर CSC केंद्रों पर पंजीकरण की व्यवस्था करा रहे हैं, जो कि श्रमिकों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर मनचाहा शुल्क वसूल रहे हैं। श्रमिकों के पंजीकरण की व्यवस्था नगर निगम बरेली के कार्यालय में कराई जाए, जिससे रोज कमाकर खाने वाले तिहाड़ी मजदूर श्रमिकों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और योजना से ज्यादा श्रमिक लाभान्वित हों और श्रमिकों को शोषण से बचाया जा सके। केंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक कल्याण समिति। आज श्रमिक कल्याण समिति के माध्यम से यहाँ जनपद बरेली में हम लोग एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट बरेली को देने आए हैं, और ज्ञापन में शासन द्वारा जो गरीब मजदूर वेंडर आदियों के लिए 1,000 रुपये प्रति महीना देने की घोषणा की गई है उनकी राहत के लिए, ऐसे में नगर निगम बरेली के ऊपर जिम्मेवारी है कि महानगर के क्षेत्रों में श्रमिकों का ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि योजना से गरीब मजदूर लाभान्वित हों और उनका भरण पोषण ऐसी आपात स्थिति में चल सके। पर नगर निगम बरेली ऐसी योजना में, प्रभावी योजना में लापरवाही करते हुए उदासीन बना हुआ है। श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है, और जिसके चलते नगर निगम बरेली ने निजी जो केंद्र हैं, जो SC केंद्र हैं, उन पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराई गई है निगम में ना करा करके, जिसके कारण श्रमिकों के वहां रजिस्ट्रेशन के नाम पर मनचाहा शुल्क वसूला जा रहा है और उनको भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।